और महाकुंभ से पहले प्रयागराज आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा है। महाकुंभ की 6500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी रिंग रोड, बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर और भारद्वाज कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी परेड मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी रिंग वेरपुर में भगवान श्री राम और निषाद राजगुरु की विशाल प्रतिमा का अनावरण भी कर सकते हैं। तो महाकुंभ की शुरुआत से लगभग एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को होंगे प्रयागराज में। 13 जनवरी से शुरुआत होती है महाकुंभ की। 13 दिसंबर को पीएम मोदी यहां पर होंगे। साधु संत भी मौजूद होंगे, वो अखाड़ों के वो तमाम साधु संत मौजूद होंगे जो पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जो अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी और इस मौके पर 6500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जेवर एयरपोर्ट पर आज से ट्रायल की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन यह ट्रायल टल गया है। लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल होना था, डीजीसीए ने इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से ट्रायल की शुरुआत नहीं हो पाई। अब 30 नवंबर को ट्रायल की शुरुआत होना संभव है। पहले यह खबर आई थी कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ट्रायल होगा, जिसमें घरेलू और साथ ही साथ इंटरनेशनल विमानों को भी लैंड किया जाएगा, टेक ऑफ किया जाएगा। रनवे की परीक्षा पूरे एक महीने तक होगी और उसके बाद आगे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा, लेकिन डीजीसीए से इजाजत न मिल पाने की वजह से ट्रायल की शुरुआत नहीं हो पाई। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने में अभी थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन कुछ ही दिन में इस हवाई अड्डे से विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग होगी। करीब एक महीने तक विमानों का ट्रायल रन चलने वाला है। इसके लिए छोटे और बड़े विमानों की टेस्टिंग होगी। इस ट्रायल रन में दूसरे राज्यों से फ्लाइट यहां लैंड होंगी और रवाना की जाएंगी। हालांकि इस ट्रायल रन के दौरान फ्लाइट में कोई यात्री नहीं होगा। जेवर के इस एयरपोर्ट में 3.9 किलोमीटर का रनवे बनकर तैयार है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का ढांचा भी खड़ा कर दिया गया है। नोएडा एयरपोर्ट पर ट्रायल रन की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली, लखनऊ समेत दूसरे एयरपोर्ट के मैनेजमेंट से संपर्क किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पूरी तरह से डिजिटल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसमें इंडोर नेविगेशन, पैसेंजर फ्लोर मैनेजमेंट, स्मार्टफोन से चेक इन, बैगेज ड्रॉप और सभी चेक पॉइंट पर डिजिटल प्रोसेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले साल अप्रैल में नोएडा से विमानों का संचालन शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट 90 दिन पहले बुक किया जा सकेगा, वहीं घरेलू विमान सेवा का टिकट 1.5 महीने पहले बुक होगा। एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए जरूरी लाइसेंस का आवेदन भी जल्द शुरू होगा। एयरपोर्ट का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से न सिर्फ नोएडा बल्कि दिल्ली और गाजियाबाद में रहने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। नोएडा एयरपोर्ट से विमान सेवा के संचालन होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोड भी काफी हद तक कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।